अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट इन्फोटेक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग ब्राउज़र पे किसी भी स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन किया हुआ है गूगल। यहाँ पे आप लोग टाइप करें क्रोम वेब स्टोर या फिर गूगल वेब स्टोर। जो आप लोग गूगल वेब स्टोर लिखोगे तो क्रोम वेब स्टोर नीचे ऑप्शन दे रहा होगा, उसे कुछ बेशक क्लिक कर लें, बेशक आप ऊपर लिख लें क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पर देखें नीचे आ रहा है क्रोम वेब स्टोर, मैं इसको क्लिक किया। क्रोम वेब स्टोर पे आके हम एक एक्सटेंशन ऐड करवाएंगे लाइट शॉट स्क्रीनशॉट के नाम की, जो कि हमें एक स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट हमें लेके देगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा लाइट शॉट, इसको क्लिक करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा ये। लाइट शॉट लिखने की बजाय ना, वैसे आप यहाँ पे लाइट शॉट स्क्रीनशॉट लिख लो, फिर वो आपको पूरी दे देगा। यहाँ पे देखने जो ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये वो टूल है, वो एक्सटेंशन है जो हमें स्क्रीनशॉट लेके देगी। ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है स्क्रीनशॉट टूल है ये। यहाँ पे डिफरेंट है मेरे पास, लेकिन जो मुझे चाहिए वो चाहिए लाइट शॉट स्क्रीनशॉट टूल। ठीक है, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करें। यहाँ देखिए उसकी वर्किंग बता रहा है कि ये आपको रीड करेंगे, आप इसमें रीड और चेंज कर सकते हैं वेबसाइट यू विजिट डिस्प्ले Modify, Manage, ओके okay? हम इसको Add Extension कर लेते हैं। अब जब मैंने Add Extension किया तो ये जो Extension है ये राइट कॉर्नर पे मेरे ब्राउज़र पर मर्ज हो जाएगी। हम देखते हैं कि क्या है। ये देखिए यहाँ पर नीचे डाउनलोड हो रही है। जैसे ही डाउनलोडिंग कम्प्लीट होगी तो ये मेरी वर्किंग में आ जाएगी। यहाँ पे देखें लाइट शॉट हैज़ बीन एडिड टू योर क्रोम। ओके, मैनेज कर सकते हैं आप इसे, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये वर्किंग में है। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, से एक न्यू टैब पे ओपन करके दे दिया कि अपना सिलेक्ट करें एरिया जो आपने स्क्रीनशॉट लेना है। मैं इसी का ले लेती हूँ, सेव करा लेते हैं। ये जो ऑप्शन है ये आपको सेव कराने में हेल्प करेगा आपके लैपटॉप में। चले मैं इसको अपने डेस्कटॉप पर करवा लेती हूँ, सेव कराते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये मेरे लैपटॉप में आया है कि नहीं आया। ठीक है, इसको ओपन करती हूँ। ये जो मेरी इमेज यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था वो यहाँ पे आ चुका है और स्पेसिफिक एरिया का आया है। वैसे मोस्टली जो हम लेते हैं वो पूरी स्क्रीन का आता है, लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाया कि हम लोग कैसे किसी भी स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि हम लोग कैसे इसमें स्टोर कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। अब मैं आप लोगों को इसके बाकी फीचर्स भी बता देती हूँ कि इसके बाकी फीचर्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं जब भी आप किसी स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ओके, मैं आपको कुछ और कोई और ब्राउज़र पे कुछ टाइप करके आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट लेके अब दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना दूसरा टैब ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करें, क्योंकि मैंने तो जस्ट आपको एक डेमो दे रही हूँ कि हम किस तरह से किसी भी स्पेसिफिक एरिया का ब्राउज़र पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेती हूँ, इसको लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ व्हाट इज़ गूगल। ठीक है, सिंपल हम लोग लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मेरे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है, इसको क्लिक करें। ये मैं आप लोगों को एक्सटेंशन का एक्सटेंशन के थ्रू स्क्रीनशॉट लेना सिखा रही हूँ। ठीक है, आप देखें जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया वो कह रहा है कि एरिया सेलेक्ट करें, सेलेक्ट एरिया का ऑप्शन आया। तो बजाय इसके कि मैं टेक्स्ट का लेकर दूँ, इस इमेज का ले लेते हैं। ठीक है, इस इमेज का स्क्रीनशॉट हम लेते हैं। यहाँ पे देखें कि डिफरेंट ऑप्शन है। अब इन ऑप्शंस का मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। ये देखें, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ये पेन है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, कोई भी अगर आपने जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसके ऊपर अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी हो वो कर सकते हो। ओके, उसके अलावा नीचे एक एरो का आ रहा है, आप किसी को भी पॉइंट आउट कर सकते हो किस चीज़ को। यहाँ देखें गूगल लिखा हुआ, मैं उसको पॉइंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है जी ये हाईलाइटर है, यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी कलर के साथ चलती हूँ। ठीक है, इस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसी येलो कलर के साथ चलती हूँ और लेके दिखाते हैं। ये देखें, ये एरिया मेरा हाईलाइट हो चुका है। ये कह रहा है कि आप चीज़ें अंडू भी कर सकते हो, मीन्स के जो आपने लाइनें लिखी थी उनको रिमूव कर दें। यहाँ मैंने रिमूव कर दी, इसका बता चुकी हूँ सेव।
यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो अपनी चीज़ों का जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो बिल्कुल सिमिलर स्क्रीनशॉट्स जो मैंने यहाँ आपको लेके दिखाए हैं, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो मल्टीपल साइट्स पे सोशल मीडिया। यहाँ इसका आप क्या काम है, इसका काम है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे ना URL एक बना देगा, ठीक है। तो मुझे अच्छा ये फीचर इसमें बहुत पसंद है, यह हमें URL बना देता है। अब इस URL को आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, जस्ट इस URL को, बजाय इसके कि आप पूरी इमेज को करो, आप इस URL को उठाओ और इसको मैं नेक्स्ट टैब पे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं सिर्फ URL उठाया है, देखना वो इसकी इमेज ओपन करके दे देगा। ओके, हेयर यू कैन सी URL के थ्रू मैंने इमेज एक्सेस कर ली। तो ये फीचर मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।